हे बच्चों नमस्कार मेरे मित्रों, मैं राकेश मोहन कोठारी, प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा, गवर्नमेंट कोएड सर्वोदय विद्यालय रामपुरा, आपका स्वागत करता हूं फिजिकल एडुपीडिया चैनल पर, जिस पर हम कक्षा 11 और 12 के लिए लगातार शारीरिक शिक्षा के अध्यायों को अपलोड कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे बीच में हैं श्रीमती कुमकुम अग्रवाल जी, प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा SKVGTB नगर। तो आइए उनका स्वागत करते हैं, वो आपके साथ ओलंपिक मूल्य पर शिक्षा चैप्टर 2 इसके बारे में आपके साथ चर्चा करेंगी श्रीमती कुमकुम अग्रवाल जी। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम शारीरिक शिक्षा की कक्षा 11 में ओलंपिक मूल्य परक शिक्षा भाग 2 में पैरालंपिक गेम, विशेष ओलंपिक गेम तथा ओलंपिक गेम से जुड़े प्रतीकों का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, पैरालंपिक शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना शब्द है, पैरा तथा ओलंपिक, जिसका अर्थ है ओलंपिक खेलों में समानांतर चलने वाले खेल, जिसमें केवल शारीरिक, मानसिक और संवेदी अक्षमता वाले व्यक्ति अर्थात दिव्य शक्ति वाले व्यक्ति ही विभिन्न प्रकार के खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसा माना जाता है कि 1948 जुलाई में लंदन ओलंपिक खेलों के समय पैरा ओलंपिक खेलों की भी आरंभ हुआ। उसी ओलंपिक के अंतर्गत हमारे व्हीलचेयर एथलीट्स ने विभिन्न प्रकार की एथलेटिक इवेंट्स की प्रतियोगिताओं में भाग लिया। बच्चों, ऐसा माना जाता है कि इन खेलों के जनक डॉक्टर गुडमैन माने जाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले पैरा ओलंपिक खेलों के बारे में सोचा और उनको आयोजित करने के लिए ओलंपिक संघ को प्रेरित किया। ऐसा भी माना जाता है कि आगे चलकर यही खेल हमारे 1960 में प्रथम खेलों के हिसाब से विकसित हुए और इनका नाम पैरा ओलंपिक खेल पड़ा। प्यारे बच्चों, यह हमारे पैरालंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह है लाल, नीले और हरे रंग के एजिटोस। एजिटोस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है लगातार गति करते रहना। ये एजिटोस अर्ध चक्रीय आकार के हैं, जिनका अर्थ है लगातार निरंतर अपनी अक्षमताओं के साथ अपने विभिन्न प्रकार के दिव्यांग अक्षमताओं के साथ आगे बढ़ते रहना। ये तीन कलर लाल, नीला और हरा इसलिए लिया गया है क्योंकि संसार के सभी देशों के राष्ट्रीय ध्वज में इनमें से कोई ना कोई कलर जरूर होता है, जो हमें ये संदेश देता है कि हमें मिलकर चलना है, एक साथ रहना है और सभी के विकास में कार्य करना है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम जब भी किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो प्रतियोगिता की अपनी कुछ श्रेणियां होती हैं, जो हमारी आयु के अनुसार हो सकती है, हमारी क्लास के अनुसार हो सकती है या दूसरे किसी और चीजों के अनुसार हो सकती है। ऐसा ठीक ऐसा हमारे पैरालंपिक खेलों के अंदर भी विभिन्न प्रकार की श्रेणियां होती हैं और वो श्रेणियां होती हैं हमारे खिलाड़ियों की शारीरिक अक्षमता। उसी के हिसाब से हम अपने खिलाड़ियों को विभिन्न प्रकार के खेलों के लिए वर्गीकृत करते हैं और इस प्रकार से हमारी 10 श्रेणियां हैं। बच्चों, हमें जब भी अपने खिलाड़ियों को इस खेलों के लिए तैयार करना है तो हमें उन श्रेणियों का ध्यान रखना है। जैसे हमारी पहली श्रेणी आती है स्नायु शक्ति की कमी अर्थात मांसपेशियों में कार्य करने की क्षमता में कमी। दूसरी होती है हमारी जोड़ों की लचक में कमी। तीसरी है कि जिसमें हमारे हाथ या पैर या दोनों ही
में क्षति हो गई है या वो अंग हमारे शरीर में है ही नहीं। सामान्य से कद का छोटा होना। इसके अलावा बच्चों हमें ये भी मालूम होना चाहिए यदि हमारे पैरों की लंबाई सामान्य नहीं है, कम है, या दोनों पैरों की लंबाई के अंदर अंतर है, तो वो भी हमारी एक ऐसी श्रेणी है जो पैरालंपिक खेलों में प्रयोग की जाती है। इसके अलावा एक है हमारा ऑटियस, अर्थात ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम अस्थि भंग भी कहते हैं। इस बीमारी के अंतर्गत हमारे शरीर में आवश्यकता से ज्यादा कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारी हड्डियां और हमारी मांसपेशियां सही ढंग से कार्य नहीं कर पाती हैं और शरीर को काम करवाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरणों का प्रयोग करना पड़ता है। इसके अलावा हमारे जितने भी अंग हैं, यदि उनमें गति कम है तो वो भी हमारी एक श्रेणी है। प्यारे बच्चों, एक ऐसी बीमारी जिसको हम हाइपरटोनिया कहते हैं, जिसके अंतर्गत हमारे हाथ पर अकड़ जाते हैं या हमारा शरीर अकड़ जाता है, ये इसलिए होता है जब हमारे शरीर को आवश्यकता से कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है या हमारे जिसके कारण हमारे शरीर के जो मांसपेशियों का संकुचन है वो आवश्यकता से ज़्यादा हो जाता है और ऐसे में भी हमारे काम करने की जो क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा हमारी दृष्टि यानी कि नज़र संबंधी खराबी, यानी कि आपकी नज़र एक लिमिट तक ठीक है तो इस कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन भी आपके पास बिल्कुल भी आप देख नहीं सकते हो या फिर नज़र में बहुत कम आपको दिखाई देता है, तो वो भी हमारी एक श्रेणी है जिसके अंतर्गत हमारे खिलाड़ी भाग लेते हैं। आप इस स्लाइड में देख भी रहे हो बच्चे कि ये विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में ही हमारे खिलाड़ी भाग लेते हैं ताकि उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार बराबर मौका मिले कार्य करने का। बच्चों, यहाँ पर पैरालंपिक में आयोजित होने वाले खेलों की एक सूची है जिसके अंतर्गत हमारे पैरालंपिक खिलाड़ी अपनी योग्यता के अनुसार और अपने इंटरेस्ट के अनुसार इन खेलों में भाग लेते हैं ताकि वो इन खेलों में आराम से अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सके और अपने लिए और अपने देश का नाम ऊंचा कर सके। बच्चों, इस स्लाइड्स के अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे पैरालंपिक खिलाड़ियों के पिक्चर्स हैं जो ये दर्शाते हैं कि उन्होंने अपनी योग्यता के अनुसार विभिन्न प्रकार के खेलों में भाग लिया और अपने लिए पुरस्कार जीते तथा अपने देश का नाम रोशन किया। बच्चों, इस स्लाइड में आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ हमारे पैरालंपिक खिलाड़ियों की पिक्चर हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ है तथा कुछ ऐसे नाम आप देख रहे हो जो इसमें लिखे हुए हैं, ये वो सभी खिलाड़ी हैं जिन्हें 2019 राष्ट्रीय खेल दिवस वाले दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने इनको सम्मानित किया है तथा इनके द्वारा की गई मेहनत को पूरे विश्व के सामने जो इन्होंने अपने भारत का प्रदर्शन किया है उसको मांग किया है तथा इन्हें अर्जुन अवार्ड जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया है। विशेष ओलंपिक खेल। प्यारे बच्चों, ऐसे ओलंपिक खेल हैं जो बौद्धिक विकलांग और मानसिक अक्षमता वाले बच्चों और वयस्कों के लिए ओलंपिक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। सबसे पहले इन खेलों की शुरुआत यूनिस श्राइवर ने की थी। उनके अनुसार खेल माध्यम एक ऐसा माध्यम है या एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा हम बौद्धिक अक्षमता वाले लोगों के लिए एक नई आशा, एक नई ताकत, एक नई क्षमता, नए कौशल और सफलता को खोज सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि हम बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए बराबर के अवसर और अनुभवों को तैयार करें तो ये व्यक्ति भी अपनी सही प्रकार से संभावित
वृद्धि और विकास कर सकते हैं। इसी विचारधारा को मन में रखते हुए उन्होंने सबसे पहले 1968 यानी कि 1968 में पहले प्रथम हमारे विशेष ओलंपिक खेलों का आयोजन किया। प्यारे बच्चों, विशेष ओलंपिक खेलों को आयोजित करने के पीछे एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य था। इसका पहला लक्ष्य था कि सभी देश के नागरिक अपने देश के बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के बारे में सोचें, उनको विकसित करने के बारे में सोचें। इसीलिए ये ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया और इसके साथ विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, ताकि सभी व्यक्ति इन लोगों की खेल प्रशिक्षण विधियों को विकसित करें और उनसे इन खेल प्रशिक्षण करवाएं, ताकि इनकी शारीरिक फिटनेस को हम विकसित कर सकें। इसके साथ साथ हम इनके प्रदर्शन को प्रदर्शन करने के साहस को कर सकें। तीसरा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इन बच्चों के अंदर भी आनंद का अनुभव लगातार बना रहे और उन्हें इन सब प्रकार के गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलता रहे, तथा इनको भी अपने परिवार में, अपने अन्य एथलीटों के साथ, अपने समुदाय के अंदर मिलने वाले उपहारों को, मिलने वाले कौशल्स को और अपनी दोस्ती को वो सबके साथ में साझा कर सके और सबके साथ ही उसका आनंद उठा सके। बच्चों, हमने जैसा देखा कि विशेष ओलंपिक खेलों के अंदर एक प्रतीक चिन्ह है जिसमें यह दर्शाया गया है कि 5 ऐसी आकृतियां हैं जो अपने हाथों को फैलाकर खड़ी हैं। ये आकृतियां हमें बताती हैं कि विश्व के सभी बच्चों के आनंद और खुशी पर आधारित है और ये भी बताता है प्रतीक चिन्ह कि असमर्थ वयस्क और बच्चों के बीच में हमें उनका विकास, उनका विश्वास और हमें उनकी खुशी का हमेशा ध्यान रखना है। इसमें सबसे अच्छी बात ये बताई गई है कि बच्चों के 3 हाथ दिखाए गए हैं। जो नीचे वाला हाथ है ये उस समय की स्थिति बताता है जिस समय लोगों को बौद्धिक और क्षमता वाले वयस्कों और बच्चों की प्रतिभा के बारे में पता ही नहीं था, उन्हें उनकी अक्षमता से वो बिल्कुल अनजान थे। विशेष ओलंपिक खेलों के बाद जब इनकी स्थापना हुई तो मालूम पड़ा कि इन लोगों में भी समानता की भावना है, ये भी अपनी पहुंच के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। इसीलिए सीधे हाथ ये बताते हैं कि हम भी आपके बराबर हैं और हमें अवसर मिले, हमें अनुभव मिले तो हम उन अनुभवों का सदुपयोग करके अपनी प्रतिभाओं को, अपनी क्षमताओं को दिखा सकते हैं। और तो तीसरे हाथ है वो आकाश की तरफ है, वो बताते हैं कि बौद्धिक विकलांग व्यक्ति इसमें अपनी खुशी को दर्शाते हैं, अपने उत्साह को दर्शाते हैं और वो कह रहे हैं कि हम भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ जा रहे हैं, आप हमें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दीजिए, हमें विभिन्न प्रकार के अवसर दीजिए, ताकि उन अवसरों के अनुभवों से हम भी अपना संभावित विकास कर सकें। ये बच्चों, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, यदि प्राकृतिक से कोई भी व्यक्ति हमारे साथ है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी है तो प्राकृतिक ने उन्हें एक ऐसा गुण दिया है जिसे हमें पहचानना है और यही जो गुण है वो उनके लिए आगे बढ़ाने में सहायक हो सकता है। बच्चों देखो, यहाँ पर आपके सामने एक स्लाइड है जिसमें दिखाया गया है कि हमारे विभिन्न प्रकार के ओलंपिक, विशेष ओलंपिक खिलाड़ियों की पिक्चर है, जिसमें ये भी मार्क है कि 2019 में विशेष ओलंपिक खेलों का आयोजन आबू धाबी में हुआ और जिसमें भारत के बौद्धिक अक्षमता और मानसिक विकलांग खिलाड़ियों ने भाग लिया और उन्होंने 18 खेलों के अंदर 368 पदक जीते। बच्चों, ओलंपिक अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जिसका मतलब होता है कि हर प्रकार का ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेना जिसमें जीतना जरूरी नहीं है,
अपितु प्रतियोगिता में भाग लेना जरूरी है। उसमें किसी भी चीज से हारना जरूरी नहीं है, बल्कि जीतने के लिए संघर्ष करना जरूरी है। उसमें जीतना जरूरी नहीं है, बल्कि जीतने के लिए लड़ना जरूरी है। ओलंपिक एक शब्द है जिसका एक संदेश है, जो हमें पियर्टिन कुवेटिन ने दिया था, जिन्होंने ये कहा था कि ओलंपिक अपने आप में एक ऐसा संदेश है जो पूरे संसार को खेलों के रूप में एक साथ सबको जोड़ता है। बच्चों, ध्वज यानी कि फ्लैग एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रतियोगिता या किसी भी राष्ट्र का एक ये सम्मान की बात होती है, तो हमारा जो ओलंपिक ध्वज है वो एक सफ़ेद रंग के कपड़े पे बना हुआ है, जिसके ऊपर 5 कलर के यानी कि नीला, पीला, काले और हरे और लाल रंग के सर्कल बने हुए हैं, और ये सर्कल सब आपस में जुड़े हुए हैं। ये सर्कल हमें ये संदेश देते हैं कि हमें पूरे राष्ट्र को, पूरे संसार को मिलकर रहना है, क्योंकि ये 5 सर्कल 5 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये हमें ये बताते हैं कि इन सर्कलों के द्वारा हम किसी भी प्रकार की भेदभाव में नहीं है, सभी एकजुट होकर ओलंपिक खेलों में भाग लेते हैं। इन सर्कल्स के जो कलर्स हैं, ये महाद्वीपों के कलर्स को दर्शाते हैं, जो अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप का प्रतीक है। इस झंडे को हमने सबसे पहले 1920 के ओलंपिक खेलों में इनकी शुरुआत की थी। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जब भी इन खेलों को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे इस ध्वज को फहराया जाता है। प्यारे बच्चों, ओलंपिक खेलों का मोटो यानी कि हमारा लोगो है 5 रिंग, जो 5 रंगों से मिलके बने हैं। इसके साथ ही इसमें 3 ग्रीक शब्द भी लिखे हैं, जैसे सिटियस, ऑल्टियस एंड फोर्टियस। ये तीनों शब्द ही ग्रीक भाषा से लिए गए हैं, और इन शब्द को देने वाला है हेनरी। मिस्टर हेनरी ने कहा था कि हम जब भी ओलंपिक खेलों के अंदर भाग लेते हैं तो हमें सबसे तेज एफर्ट्स करने हैं, सबसे ऊंचे एफर्ट्स करने हैं और सबसे मजबूत एफर्ट्स करने हैं, ताकि हमारे को विजय मिलने में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। इसके साथ साथ हमें ये भी बताया गया है कि जब 1894 में पियर्टिन कुवेटिन ने जब ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया था, तो उनके साथ ही उन्होंने ये भी निश्चित कर लिया था कि इन खेलों में हम किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे, और इन खेलों के द्वारा पूरे संसार में शांति लाएंगे और पूरे संसार को एक कड़ी में जोड़ेंगे। ओलंपिक ज्योति ओलंपिक खेलों में प्रयोग किए जाने वाला एक पवित्र प्रतीक है। प्यारे बच्चों, ओलंपिक खेलों में कई महीने पहले से ही यूनान के ओलंपिक गांव में ये मशाल या ज्योति प्रज्वलित की जाती है, तथा विभिन्न खिलाड़ियों के द्वारा इस ज्योति को दौड़ते हुए उस स्थान पर पहुंचाया जाता है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। बच्चों, आपको पता है कि ओलंपिक ज्योति वो अपने आप में ज्ञान, जीवन और खुशी का प्रतीक है। यह एक प्रकार से शांति का प्रतीक भी है, क्योंकि ज्योति सभी वातावरण को अपने चारों तरफ उपस्थित हर चीज को पवित्र कर देती है। शपथ, प्यारे बच्चों, इस शब्द का अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अर्थ है। शपथ एक ऐसी प्रक्रिया है
जो ये निश्चित करती है कि हम जो भी काम करने जा रहे हैं उस काम को सही ढंग से नियमों के अनुसार कार्य करने का एक हम वादा करते हैं ताकि वो कार्य हमारा पूर्ण रूप से हो जाए। प्यारे बच्चों, सेम वही बात हमारे ओलंपिक शपथ समारोह में होती है। हम जब ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रत्येक एथलीट को, प्रत्येक रेफरी अधिकारी या कोच, हर व्यक्ति को खेलों में भाग लेने से पहले एक ऐसा वादा करना होता है जिसके अंतर्गत वो एक वादा करते हैं कि वो उन सभी नियमों को मानेंगे जिन नियमों के तहत हमारे खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। सबसे पहले 1920 में ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों के लिए शपथ लेने की प्रक्रिया शुरू हुई। उसके बाद 1972 में जितने भी हमारे वहाँ पे अधिकारी हैं, रेफरी हैं या दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से हमारी विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं को आयोजित करते हैं, उन्हें शपथ दिलवाई जाती है कि शुरुआत हुई थी। और 2010 में कोचेस जो टीमों के साथ आते हैं उनको भी शपथ दिलवाने की प्रक्रिया शुरू की गई। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर कोवर्टिन, जिन्होंने आधुनिक ओलंपिक खेलों की नींव रखी तथा जिसके द्वारा वो बहुत सारे मूल्यों को विकास करना चाहते थे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि पूरा संसार एकजुट होकर एक ऐसे स्पर्धा में भाग ले जो दूसरों का नुकसान ना कर सके और आपको अपनी योग्यता को दिखाने का, अपने गुणों को दिखाने का एक सही समारोह मिल सके, जिसके लिए उन्होंने आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की। इन खेलों के लिए उन्होंने मूल्य विकसित करने के लिए रखे, सबसे पहला है हमारा दोस्ताना व्यवहार, यानी कि मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना। दूसरा है एकजुट होकर, सभी राष्ट्रों के खिलाड़ियों को एकजुट होकर भाईचारे के साथ विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेना। तीसरा है जितनी भी प्रतियोगिता है उन प्रतियोगिताओं के नियमों का पालन करना और ईमानदारी से इन प्रतियोगिताओं में भाग लेना तथा खेलना, ताकि हम अपनी योग्यता को आराम से प्रदर्शित कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो था भेदभाव से मुक्ति। जैसे कि हमें पता है कि 1894 के समय हमारा पूरा संसार बहुत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और वो एक दूसरे पे अपनी शक्ति को दिखाने के लिए एक दूसरे पे से युद्ध करते थे और कोई जीतने वाला देश हारने वाले को दे कभी अपना अपना गुलाम बना लेता था, या ऐसे बहुत सारी हमारी नकारात्मक क्रियाएं चल रही थी। तो डॉक्टर कोवर्टिन ने सबसे पहले सोचा कि हम एक ऐसा कार्यक्रम शुरू करें जिनके द्वारा हम भेदभाव, दोस्ताना, एकजुट होकर ईमानदारी से खेलने जैसे मूल्यवान मूल्यों को विकसित कर सके। इसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर कोवर्टिन ने आधुनिक ओलंपिक खेलों का निर्माण किया और उन्हें विकसित किए। इसी विचारधारा की वजह से हमारे लगातार हमारे हर 4 साल के बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और हर 4 साल के बाद हमारा पूरा संसार एक ही प्लेटफॉर्म पे एक साथ हमें खड़ा नजर आता है, जो अपने आप में एक बहुत ही विशाल और विकसित मूल्य है। थैंक यू कुमकुम जी, बहुत अच्छे से आपने ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक के उद्देश्य, उनके लक्ष्य, उनके प्रतीक चिन्ह सभी के बारे में विस्तार से आपने चर्चा की। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। प्यारे बच्चों, यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई सुझाव या कोई प्रश्न आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, शीघ्रातिशीघ्र आपके सभी जवाबों का, सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद, तब तक के लिए हम आगे आपके साथ फिर शामिल होंगे एक नए अध्याय को लेके। धन्यवाद।